तो गैस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रीम इलेवन जो 2024 का आईपीएल जो कि स्टार्टिंग होने में एक ही महीने के फोक जो कि रह चुका है, एक महीने के भी फोक नहीं रहा है। जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8 नवंबर आ गया और दिसंबर से जनवरी के बाद जो कि आईपीएल 2024 को चालू होने वाला है। हमारा बहुत जो कि यूट्यूब फैमिली जो है, जो नया नया ड्रीम इलेवन जो कि खेलना चाहते हैं और नया नया इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो सही वीडियो पर आई है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको टीम कैसे लगाना है और कैसे खेलना है और कैसे टीम को चेंजिंग करने का ऑप्शन आपको देगा। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम ड्रीम इलेवन जो कि गैस जो कि ओपन कर लेना है आप लोग को भी, आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा गैस, ठीक है। आपको हम जाकर भी बता देंगे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ड्रीम इलेवन के बारे में, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे देंगे। आपको वहाँ पे रेफर ऊपर का जो पैसा होता है कैसे निकालवा रहा होता है वो उस वीडियो में आपको देख लेना। इस वीडियो में इतना ही हम बताएंगे कि आप ड्रीम इलेवन में टीम कैसे लगा सकते हो और कैसे चेंज कर सकते हो, तो यही के बारे में बताएंगे। जैसे कल देखेंगे गैस, कल जो कि मैच होने वाला है 2 बजे को, ठीक है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है कल का मैच। जैसे आप लोग हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे बता देगा गाइस आपको फाइनली यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे फाइनली गाइस आपको क्या करना है, टर्च कर देना गाइस। यहाँ पे आपको फाइनली गाइस जो कि टर्च कर देना है। टर्च आप जैसे यहाँ पे कर देंगे गाइस, कोई इस तरह का ऑप्शन जो कि देखने के लिए मिल जाएगा। आप जब नया नया जो कि खेलिएगा ना, तो यहाँ पर आपको फ्री का जो कि ऑप्शन जो कि देता होगा गाइस, यहाँ पे आपको फ्री का ऑप्शन पहला बेर में जो कि खेलने के लिए मिलता होगा, नहीं तो 4 रुपया 3 रुपया उपले से ही काटेगा नया नया अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो, ठीक है। अभी हमको ऑफर नहीं है, जो कि मैं तो टीम जो कि खेल रहा हूँ गाइस, ठीक है, बहुत दिन से खेल रहा हूँ। आपको फाइनली क्या करना है गाइस, अगर आप नया नया जोड़ रहे हो तो यहाँ पर एक आपको गाइड का एक आइकन आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर की ओर गाइस। यहाँ पे गाइड का एक आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे गाइड पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बनाया हुआ टीम मिल जाएगा गाइस। जब हम नया नया ये स्टार्टिंग में खेलते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं, तो आपको यहाँ से गाइड वाला से टीम आपको ले लेना है। जैसे हम यहाँ पे आपको लेके हम दिखाते हैं एक भाई का जो कि अजय नाम का है, जो ये टीम बनाया हुआ है। ये टीम मान चलो हमको पसंद आ गया चाहे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यह टीम चुने, यह टीम चुने पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गाइस ऑलरेडी टीम बना हुआ है। अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हमको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपको आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़े पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कैप्टन वॉइस का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप जब टीम खेलने लगोगे ना, तो आपको एक कैप्टन वॉइस का मतलब आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी बता दें कैप्टन वॉइस आपको यहाँ पर एक चूज़ करना पड़ता है जो ज़्यादा राउंड बनाए, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे। टीम जो कि मेरा कि बन के रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है। अब मेरा ऊपर अकाउंट में देख सकते हैं पूरा 0-0 बैलेंस कर चुका हूं मैं, क्योंकि यहां पे बैंक अकाउंट लिंक कर चुका हूं, जो आपको दिखाएंगे जो भी पैसा होता है बैंक अकाउंट में जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है। हम यहां पे देखिए हमारे पे टीम पे हमारा जो कि टीम एक है जो कि लग चुका है, लगने के लिए ऑलरेडी हो चुका है 49 रुपया। हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो कि पैसा जो कि मांगा जाएगा गैस 49 रुपया। जैसे हम पे करेंगे तो हमारा टीम जो कि लग जाएगा, ठीक है। हम ऑलरेडी सब पैसा जो कि निकासी कर चुका हूँ, आप लोग को हम दिखाएंगे। आपको 3 डॉट के आइकन पे आपको गाइस यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहीं से आपको पैसा जो कि ट्रांजैक्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए गाइस जो कि मिल जाएगा कैश विड्रो, ठीक है, कैश एंड करे, ठीक है। कैश ऐसे पे जैसे करेंगे यहाँ पर कैश आप एड कर सकते, एड हमको नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर 0 बैलेंस पर आपको फाइनली आप जो कि गाइस को टिप देना है, ठीक है। 0 बैलेंस पे आप जैसे टिप देंगे ये आपको डायरेक्टली ऑफिशियली बैंक अकाउंट पे लेके चला जाएगा जहाँ से आपने पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉ पे आपको क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट बार आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को लिंक है ये ऑलरेडी। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे मेरा जो कि महिंद्रा कोटक बैंक जो कि ऑलरेडी लिंक कर चुका हूँ, और मैंने ऑफिशियली जो रुपया आता है मैं डेली के डेली यहाँ पे 100-500 हज़ार अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कि गाइस जो कि टैक्स 100-500 हज़ार में जो कि टैक्स आपको नहीं कटेगा। नहीं तो अगर आप ज़्यादा के अमाउंट अगर आप जीत लेते हो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ऑब्वियसली जो यहाँ पे ऊपर के और लिखा है टैक्स जो कि टैक्स आपको 30% जो कि काटने वाला है 2024 में भी। अगर 2024 में जैसे जो कि कम हो जाएगा तो हम आपको हम लेटेस्ट वीडियो हम देंगे और क्या क्या करना है अगले वीडियो में बताएंगे। आप एक वीडियो में कि आपको बैंक अकाउंट लिंक कैसे करना है, कि जो कि फर्स्ट बार जो कि बंदा रहता है उसको बैंक अकाउंट लिंक करना नहीं आता है, पूरा स्टेप बाई स्टेप उसमें आपको हम समझाएंगे एक वीडियो में, ठीक है गाइस। तो आप फाइनली इसमें हम समझाएंगे और आपको बता दें इसमें आप टीम बना कैसे सकते हो गाइस, ठीक है।
आप अपना पसंद का टीम कैसे बना सकते हैं। नीचे की ओर आपको आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा टीम बनाएं, ठीक है। टीम बनाएं पे आप जैसे क्लिक करेंगे, टीम बनाएं पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 11 बंदा जो कि सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बॉक्स है जो कि आपको 11 बंदा जो कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 11 बंदा ये पूरा बॉक्स में, ठीक है। आप ऑफिशियली आप किसी भी कंट्रीज ले सकते हो, दोनों कंट्रीज भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, आपको यहाँ पे ये हो गया कीपर का, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया आपको कीपर का, दो कीपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक हम चलो न्यूजीलैंड ले लेते हैं और एक श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे आ गया आप बैट्समैन, बैट्समैन आपको जो जो अगर आपको नहीं मालूम है कौन ऐसा खेलता है, इस पर आप उस बंदे पे आपको फिंगरप्रिंट थोड़ा देर तक रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा जितना तक वो खेला होगा ना इस मैचेस में, वो कितना कितना रन बनाए, आप यहाँ से वो कि अपना डीटी वगैरह आप उसको देख सकते हैं। ये बंदा जो कि डीटी पूरा दे चुका है, तो इसी प्रकार से आप जो कि है टीम बना ले लीजिएगा। यहाँ अगर आप अगर बात करें पिच का, कौन सा पिच होता है किसी को मालूम नहीं रहता, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा है पिच बैटिंग, ठीक है। तो आपको बैटिंग इसमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर नहीं तो अब आपके ऊपर मैच के ऊपर डिपेंड है कि क्या चलेगा क्या नहीं, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली पिच यहाँ लिखा हुआ है बैटिंग, ठीक है। हम चलिए यहाँ पे बैटिंग ले लेते हैं, दो ऑलराउंडर को हम जैसे ले लिए, तीन ऑलराउंडर को, और यहाँ पे हमको दो बॉलर जो कि रखना है, ठीक है। आपको जो भी इच्छा हो बॉलर को आपको रख लेना है, एक हम, ठीक है, टी बोल्ट का हम रख लिया, जैसे आपको जो पसंद आए हो वो आप जब ड्रीम इलेवन सीख जाओगे पूरी आप अपना हिसाब से आप लगाते रहोगे गाइस, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अभी कैप्टन वॉइस का मतलब हो गया, जैसे 200 रन बना लिया कोई, वही अगर वहाँ पे कैप्टन जो कि बन सकता है, सबसे अधिक रन जो ही बनाएगा वही कैप्टन बनेगा, और सबसे अधिक रन से थोड़ा कम बनाएगा वो वॉइस रह जाएगा, ठीक है। अब जिसको भी आप कैप्टन बनाएंगे वो जो कि है गाइस आपको देगा डबल पॉइंट, ठीक है, डबल पॉइंट देगा। जैसे देखिए मैं कैप्टन बना दिया हूँ न्यूजीलैंड का, ठीक है, और श्रीलंका का वॉइस बना दिया हूँ जो कि ये हैं बॉलर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेवा करने पे आपको यहाँ पे आपको पूछा जाएगा गाइस, यहाँ आपको ऑफिशियली नहीं पे आपको क्लिक करना है, नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे मेरा दो टीम जो कि ऑलरेडी जो अभी हमें मैं बनाया हूँ, और एक मैंने गाइड से लेके आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ। तो दो टीम आपको बना के हम जो कि गाइस आपको हम दिखा दिया हूँ। तो आपको गाइस बता दें आपको टीम ये जैसे देखिए यहाँ पे अभी 18 घंटा जो कि दिखा रहा है, तो 18 घंटा जो यहाँ पर अभी दिखा रहा है गाइस, तो 18 घंटा में से आपको कब आपको टीम चेंज करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी एक आप टीम लगा लियो ना, तो पैसा आपको कटा देना है साथ ही साथ गाइस, ठीक है। और 2 बजे जैसे मैच देखिए चालू होगा, 2 बजे में 1:45 में आपको जो कि गाइस मैच जो कि चेंज करना होगा, ठीक है, ठीक है। कैसे मैच चेंज करेंगे वो भी बताएंगे आपको। यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाना है, बैक कर देते इस पर, जैसे आप टीम लगा ली हो तो ये आपको ऊपर की ओर ही दिखाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर। यहाँ पे देखिए 2 बजे लगा है और टाइमर जो कि यहाँ पे चल रहा है गाइस, टाइमर ऑफिशियली पूरा जो कि चलता रहेगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। और आपको यहाँ पर एक बार जो कि यहाँ पर आपको टच करना है गाइस, ठीक है, आपको यहाँ पर टच करना है ऑफिशियली। जैसे यहाँ पर टच करेंगे यहाँ पर आ जाएगा मेरी टीम्स पर, आपको क्लिक करना है गाइस। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको HD में करके देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे टीम्स पे आपको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक गाइस जो कि पेल्सिंग आइकन जो कि देखने के लिए मिल जाएगा, एक पेल्सिंग आइकन, ठीक है, पेल्सिंग का आइकन आपको मिल जाएगा। यही पेल्सिंग आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोग अगर अभी तक गौर नहीं किए होंगे लेकिन आपको बताते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको छोटा स्किल में आपको यहाँ पर लिखा रहा है पिछले मैच खेला है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है ब्लू कलर है, ठीक है, जो जो बंदों का आप देखेंगे वो ब्लू कलर अभी पूरा होगा, ठीक है, जो जो नहीं खेलेगा उसमें लाल कलर होगा गाइस, ठीक है। तो और जब 1:45 में जैसे आप मैच टीम चेंज करने आओगे, ये ब्लू कलर नहीं होके ये हरा कलर में बदल जाएगा गाइस, ठीक है, ये हरा कलर में जो कि है इसका जो कि है बदल जाएगा। जो जो खेलेगा ना टीम, जो जो टीम खेलेगा गाइस, ये जो कि है सभी टीम को हरा कलर में आ जाएगा, और जो नहीं खेलता होगा ना उसको पे ऐसे फिंगर मारेंगे यहाँ पे, उसके ऊपर दबाना है फिंगर, उसके बाद वो जो कि है वो हट जाएगा। जो खेलता होगा उस पर आपको फिंगर दे देना, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देना। आपको कैप्टन वॉइस अच्छा से देख लेना है जो खेल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सेवा करे पे आपको यहाँ पे नहीं कर देना, नहीं जैसे करेंगे ऑफिशियली जो कि आपको टीम जो कि चेंज हो जाएगा। और एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा आपको टीम कैसे चेंज करना है, ठीक है, और हरा कलर जो कि कैसे आता है, ठीक है,
तो आज की इस वीडियो हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और शेयर करना। और एक वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे गाइस, उसको जाके आप प्रॉपरली समझ सकते हो कि कैसे विन करना है, कैसे खेलना है गाइस। ठीक है, तो अगले वीडियो में बताते हैं पूरा। आज के लिए बस इतना ही।